आज ही हमारे इस राज वैली में कम से कम 6 इंच से ज्यादा हिमपात हो चुका है। काफी बर्फ गिर चुकी है सुबह से। तो अभी है हम इस टाइम डेढ़ा थाच तांदी। ये देखिए चारों ओर का नजारा, बर्फ ही बर्फ, जिस चीज का काफी टाइम से इंतजार था। काफी समय के बाद बर्फ गिरी है इस बार। तो यहाँ पे ये 2024 की पहली बर्फबारी हुई है। अच्छी खासी बर्फ हो चुकी है, आज गिर चुकी है सिराज वैली के तांदी से लेके अपने गुनास तक। गुनास तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी समय बाद बर्फबारी हुई है तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और लोग काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं, खासकर किसानों और बागवानों के लिए तो बहुत मज़े की बात है। सो गाइस, अभी जा रहे हैं हम डेढ़ा थाच से घर की ओर। तो अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है हमें, बहुत लंबा सफ़र है अभी। तो ये गाइस मनरेगा पार्क में पहुंच चुके हैं और ये देखिए देवदार के पेड़ों में बर्फ ही बर्फ, पूरे तरीके से बर्फ़ से लद चुके हैं देवदार के पेड़। और ये देखिए घाटी पूरी पूरी की पूरी घाटी बर्फ से ढक चुकी है और काफी जबरदस्त फीलिंग आ रही है साथ में ये। और ये देखिए नेचुरली पेड़ों से बर्फ गिर रही है, ऐसा लग रहा है कोई बर्फ फेंक रहा है हम पे। और ये देखिए ऑलरेडी बंदे यहाँ पे मस्ती करते हुए। और यहाँ के दुकानदार इस टाइम कोई भी यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग ऑलरेडी बर्फ की शूटिंग कर रहे हैं। इस साइड से आए थे हम और ये अब जाएंगे हम मनरेगा पार्क के अंदर। जय माता दी। यहाँ की गाइस मैंने बहुत सारी वीडियो आपको ऑलरेडी दिखा दी है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। और आजकल बर्फ में देखिए मनरेगा पार्क की खूबसूरती कितनी बढ़ चुकी है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है। हाथ पूरे ठंड चुके हैं गाइस, लेकिन ओ यार ये रहा मनरेगा पार्क का चारों ओर का व्यू इस टाइम। मैं ताऊ जी और पापा जी आगे आगे चले हुए हैं सेल्फी पॉइंट, जो कि बर्फ से पूरा लद चुका है। बहुत ही शानदार अद्भुत नजारा मनरेगा पार्क का। और हल्की हल्की धूप भी खिल चुकी है अभी। ये रही मनरेगा पार्क की झील इस टाइम, जिसके ऊपर भी अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। ये रहा मनरेगा पार्क का सबसे बड़ा स्पॉट जहाँ की सबसे ज्यादा फोटो शूट होते हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम बगलामुखी माता के मंदिर में। ये रहा मनरेगा पार्क का मंदिर और इसका व्यू। तो
यार नज़ारा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है। और ये रहा यहाँ से थोड़ा सा नाग वैली साइड का नज़ारा, ऊपर का ठनुटा साइड। काफी देर बाद जंगल से निकल चुके हैं। यहाँ से बहुत हार्डकोर सीन है, यहाँ से कहीं से भी पैर फिसल सकता है। बहुत ही डाउन को जाना है ये, देखिए नीचे। इसके बाद हम पहुंचेंगे लेह गलासी। फाइनली गाइस ये पहुंच चुके हैं हम नीचे लेह गला, और आज बस से भी जहां पे पहुंची वहीं पे रुकी हुई हैं, कोई भी बसें नहीं जा रही हैं आज सराज वैली में। ये मंडी शिकावरी मंडी बस है जो कि आज यहीं पे रुक चुकी है, और ये अभी भी मौसम गाइस साफ नहीं हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है बीच बीच में। ये हम लेह गला में पहुंच चुके हैं और उधर से आए हैं हम, यहाँ से जाएंगे नीचे। ये थुना के लिए जा रहा है और ये शिकावरी के लिए। अब गाइस हम लेह गले से यहाँ से नीचे से पैदल ट्रैक करेंगे कुनास के लिए, तो देखते जाइए। उफ 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 उफ, बहुत ही रिस्क है गाइस जाने में। फिट फिट फिट, यहाँ पैर फिसल रहा है। ओए यार राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे। ओए यार तो स्केटिंग लाई होंगी, नेचुरल स्केटिंग। ये देख सकते हैं कि हल्की हल्की धूप भी खिल चुकी है। ओए यार धूप से इतनी चमक रही है बर्फ की, आंखों से देखा भी नहीं जा रहा। स्किटिंग स्किटिंग स्किटिंग, ओह यार कर सैर करा। और ये आ गया गुनास का नजारा, ये अपनी वैली में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए धुंध कितनी पड़ी हुई है, और बहुत अद्भुत नज़ारा। आज अपनी वैली बिल्कुल अलग ही दिख रही है। सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर में, और यहां देखिए चारों ओर कितनी सारी बर्फ लदी हुई है, पूरे के पूरे सेब के बगीचे पैक हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।